अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करते हैं सिमिलैक गोल्ड वन के हवाले से। अगर हम सिमिलैक गोल्ड इन्फेंट मिल्क पाउडर की बात करते हैं तो ये पैदाइश से 6 माह तक या फिर फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स के बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजूद जो है वो दूध है। इसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे मल्टी वाइटमिन। इसके अलावा इसके अंदर जो है ओमेगा 3 पाया जाता है, 6 टोरिन पाया जाता है, कोलीन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर नेचुरल विटामिन ई पाया जाता है और DHA पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इसको बाकी इन्फेंट मिल्क पाउडर से जो है वो थोड़ा मुनफरिद बना देती है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे नज़र दौड़ाते हैं तो इसके अंदर पाम ऑलिन ऑयल फ्री है, नेचुरल विटामिन ई है, DHA है, ल्यूटिन शामिल है जो कि आइस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद ये प्योरली इन्फेंट फार्मूला बेस्ड ऑन काउस मिल्क है और ये न्यू एक एडवांस जो है वो फार्मूला है विद HMO। अगर हम इसकी जो है वो फीडिंग चार्ट पे जो है वो नज़र दौड़ाते हैं तो अगर बर्थ से 2 वीक्स का, काफ़ी जो है जो मुझे क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कमेंट्स में कि अगर कि मेरी जो बच्चे की जो उम्र है वो 24 दिन का जो है वो बच्चा है तो उसके लिए जो है वो स्कूप्स की कितनी अमाउंट हो। तो फीडिंग चार्ट में आप जो है कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखें जो फर्स्ट वीक की होती है वो 7 डेज हो गए, फिर उसके बाद जो है अगर 4 वीक्स का मतलब ये है कि आपने जो है मतलब 28 डेज का जो बेबी होगा या 21 to 28 डेज, उसमें आपने जितनी स्कूप्स की अमाउंट जो है वो फीडिंग चार्ट में मेंशन है वो आपने बच्चे को देनी है। अगर हम इसकी जो है वो फीडिंग चार्ट के हवाले से बात करते हैं तो अगर अप्रोक्सीमेटली जो बच्चे की एज है वो बर्थ 2 वीक्स जो है यानी पैदाइश से 2 हफ्ते का जो बच्चा है उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट डाली जाएगी वो 1 स्कूप डलेगी और जो वार्म वाटर की अमाउंट डाली जाएगी वो 60 ml वाटर की। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 वीक से 2 मंथ के बेबी की तो उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट डाली जाएगी वो 2 स्कूप्स की और जो उसमें जो वाटर की अमाउंट डाली जाएगी वो 120 ml ऑफ वाटर की। अगर हम बात करते हैं 2 मंथ से 6 मंथ्स के बेबी की तो उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट डाली जाएगी वो 3 डाली जाएगी और जो उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाएगा वो 180 ml वाटर डाला जाएगा। अगर हम बात करते हैं 6 मंथ्स के बेबी की तो उसमें जो स्कूप्स की अमाउंट डाली जाएगी वो भी तकरीबन सेम ही है और 180 ml जो है वो वाटर डाला जाएगा। तो ये चीज़ें आपने फीडिंग चार्ट में लाजमी तौर पर जो है वो देखना है। फीडिंग चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें स्कूप्स की अमाउंट का पता होता है। फीडिंग चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपने जितनी फीडिंग्स पर ड्यूरेशन देनी है उसका आपको पता होता है, तो आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी जो है वो मद्देनजर रखना है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो मौजू मिल्क है वो मदर्स मिल्क है और मदर्स मिल्क का जो है वो कोई भी जो है वो सब्सिट्यूट नहीं है। और थर्ड पे अगर हम इसकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले आपने हाइजीनिक पैरामीटर्स को अपनाना है। आप अपने हाथ अच्छे तरीके से धो लें, फिर उसके बाद आप अपने यूटेंसिल्स को धो लें, फिर यूटेंसिल्स को धोने के बाद आपने जो है वो वाटर को बॉयल करना है। वाटर को बॉयल करने के बाद आपने मॉडरेट टेम्परेचर पे लाना है। वाटर को बॉयल करने के लिए आप माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हो सके तो आप इलेक्ट्रिक कैटल ले लें। फिर उसके बाद जो है आपने उसको मॉडरेट टेम्परेचर पर लाना है और जितनी अमाउंट जो है बेबी को चाहिए उतनी अमाउंट जो है वो फीडर के अंदर डालनी है। और जो आपने स्कूप इस्तेमाल करना है, स्कूप आपने वही इस्तेमाल करना है जो डब्बे के अंदर मौजूद है। और उसके बाद जब आपने स्कूप की अमाउंट को डाल स्कूप में जो है आपने पाउडर डालना है तो उस पाउडर को आपने लाजमी तौर पे जो है वो लेवल अप कर लेना है। और पाउडर को लेवल अप करने के बाद आपने अमाउंट जो है वो फीडर के अंदर डालनी है। फिर उसके बाद आपने फीडर को जो है वो शेक करना है। एक झाग सी पी रहे होगी, इस झाग को नीचे जो है वो बैठने दें। अगर आप ये झागनुमा दूध जो है वो बच्चे को देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे का जो है वो ब्लोटिंग हो सकती है, बच्चे को जो है वो गैस जो है वो ट्रबल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब प्रिपरेशन एक बार रेडी हो जाए तो आपने जो है बच्चे को, अब जो है ये नहीं है कि आपने बच्चे के मुँह में जो है वो फीडर जो है वो डोसा और आप जो है वो अपने कामों पर निकल गए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने बच्चे को अपने साथ रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे का जो है वो चोकिंग का ख़तरा हो। और कोई भी मसीह जो है वो हैज़र्ड से बचने के लिए बेहतरीन यही है कि आपके जब तक बच्चा जो है वो अपनी जो है वो फीड मुकम्मल नहीं कर लेता तो मदर्स जो है वो उसके साथ ठहर जाए। फिर उसके बाद पाउडर जो है जैसे ही आपने डब्बे से निकाला तो पाउडर जो है आपने किसी भी कंटेनर में, इसमें तो कंटेनर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आमतौर पर सॉफ्ट पैकेजिंग में होती है, तो आपने जो है इसकी जो लिड है
उसको इसको जो है मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है ताकि ये इंसेक्ट से महफूज रहे, एयर से महफूज रहे, या फिर कोई एयर टाइट जार जो है वो कंटेनर रख लें, उसमें जो है वो पाउडर डाल। तो ये था सिमिलैक गोल्ड के हवाले से, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, इसकी फीडिंग चार्ट के हवाले से, इसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेल्दी पाकिस्तान। शुक्रिया।